बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम कॉमर्स स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ बिजनेस लॉ, दैट इज़ रूल्स एंड कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस। रूल्स और कंडीशंस एक्सेप्टेंस की कौन कौन सी हैं, इसके एसेंशियल्स कौन से हैं, कौन से ऐसे टर्म एंड कंडीशंस हैं जिसकी बेस के ऊपर आप कह सकते हैं कि आपने एक्सेप्टेंस आपकी लीगल है, आपने एक्सेप्टेंस कर ली है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हमारे पास सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन मेंशन गिवन है कि एक्सेप्टेंस क्या है और एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स क्या हैं। तो एक्सेप्टेंस की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता चलूं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। यानी कि जब किसी पर्सन को कोई प्रपोजल पेश किया जाए, कोई ऑफर की जाए किसी भी चीज़ के बारे में, और वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाए, वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली जाए, इसको कहा जाता है एक्सेप्टेंस। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, तो वो आपके पास एक प्रॉमिस बन जाता है। इस एक्सेप्टेंस में दो पार्टीज होती हैं जी। पार्टी नंबर वन प्रामिसर, यानी कि जो ऑफर करता है उसको, जैसे आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम सीख चुके हैं कि जो ऑफर करता है उसको प्रामिसर कहा जाता है, और जिसको प्रामिस करने के लिए कहा जाता है, जिसको ऑफर की जाती है उसको प्रामिसी कहा जाता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपने याद करनी है। आइए हम अब चलते हैं इसके रूल्स और एसेंशियल्स की तरफ कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाती हैं। सबसे पहले है जी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय ऑफरी। ऑफरी ने ही एक्सेप्टेंस करनी है। फॉर एग्जांपल, एक ए पर्सन है, वो बी पर्सन को कहता है कि मुझसे आप मेरी वॉच खरीद लें, और वो ए पर्सन खुद ही उसको कहता है जी हाँ जी एक्सेप्टेंस हो चुकी है, तो ऐसा लीगली पॉसिबल नहीं है। जिसको ऑफर की जा रही है उसने ही उसको एक्सेप्ट करना है। सेकेंड पॉइंट है जी आपके पास रीजनेबल टाइम। एक्सेप्टेंस जो है वो रीजनेबल एक टाइम के अंदर होनी चाहिए, यानी कि जो ऑफरर ने उसको कहा है कि आपने ये मेरी जो एक्सेप्टेंस है आपने इतने गिवन टाइम के अंदर इसको पूरा करना है या एक्सेप्ट करना है, तो उसी के अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ए ऑफर्स बी टू सेल हिज हाउस फॉर रुपीज़ 4 लाख रुपीज़ विद इन अ वीक। इफ़ बी रिप्लाइज विद इन वीक देन इट इज़ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। इफ़ बी रिप्लाइज आफ्टर अ वीक देन इट विल बी नॉट एन वैलिड एक्सेप्टेंस और इट विल बी कंसिडर एज इनवैलिड एक्सेप्टेंस। यानी कि गिवन टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं की तो वो आपकी एक्सेप्टेंस फिर रीजनेबल या लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद है जी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। यानी कि जब आप एक्सेप्टेंस आप करते हो तो अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट यानी क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई भी आप एक्स्ट्रा टर्म और कंडीशन इंटर नहीं कर सकते। इफ़ देर इज़ अ वेरिएशन इन द एक्सेप्टेंस then it is not a valid acceptance but a counter proposal in itself। यानी कि अगर ए ने बी को कहा कि आप मुझसे ये घड़ी जो है वो 5,000 रुपये में ले लें, तो बी अगर आगे से कहता है कि ठीक है 5,000 रुपये में मैं आपकी घड़ी ले लेता हूँ, लेकिन इसके साथ आपने मुझे कोई और गिफ्ट भी देना है, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटर ऑफर हो जाएगी। अब ए अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट लीगल हो जाएगा, लेकिन अगर ए उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो बी उसको फोर्सेबल नहीं कर सकता, उसको फोर्स नहीं कर सकता जी घड़ी आप मुझे दें और साथ में मुझे कोई और चीज़ भी दें, क्योंकि ऑफर तो सिर्फ घड़ी देने की थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जी रिफ्यूज़ल ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर ए ने बी को ऑफर किया और बी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, तो उसने क्या करना है, उसको इंटीमेट भी करना है, उसको बताना भी है। यानी कि ए मेक एन ऑफर टू बी टू सेल हिज टीवी फॉर 3,000 रुपीज़, बी सेज 2,000, यानी बी ने 2,000 का कह दिया जबकि ए ने कहा था ऑफर की थी कि 3,000 रुपये का मैंने टीवी बेचना है। आफ्टर दैट बी कैन नॉट बाइंड ए टू सेल द टीवी इवन थू ही इज रेडी टू पे 3,000 डिमांडेड बाय ए। ठीक है, कहने का मतलब उसका ये है कि ए ने बी को ऑफर किया कि 3,000 रुपये का टीवी ले लो, बी ने कहा जी मैं 3,000 का नहीं 2,000 रुपये का मैं ले लूँगा। अब बाद में उसने तो उस टाइम उसको एक्सेप्ट नहीं किया 3,000 की ऑफर को, बाद में वो बेशक उसको कहता रहे कि नहीं जी अच्छा 3,000 का दे दें या 4,000 रुपये का दे दें, क्योंकि उस टाइम उसने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब ए लायबल नहीं है उसको बेचने का, ए अगर किसी थर्ड पर्सन को बेच देता है वो टीवी तो बी उसके ऊपर केस नहीं कर सकता, उसको बाउंड नहीं कर सकता कि आप अपना टीवी मुझे ही सेल करें। उसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। एक्सेप्टेंस
जो है वो जिसने ऑफर की है, जो प्रोमिसर है, उसको बताना भी है कि मैंने जी आपकी एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर ली है, आपकी ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर ली है। टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर इन अ क्लियर मैनर बाय द ऑफरी और हिज एजेंट, यानी कि आपने क्लियर कर ली, उसको बताना है कि हाँ जी मैंने आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है जी आपके पास, नेक्स्ट हेडिंग है कंप्लीट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि ए ने बी को कहा कि आप मुझसे जो है वो दो गाड़ियां ले लें, तो बी क्या कहता है, बी ने कहता है जी मैंने एक गाड़ी लेनी है, तो वो आपकी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। ए अगर उस पर एग्री हो जाता है तो एक सेपरेट केस है, लेकिन ए ने जो ऑफर किया था दो गाड़ियों का, तो बी ने दो गाड़ियों की एक्सेप्टेंस ही रिटर्न में उसको बतानी है, ना कि एक गाड़ी की बतानी है। तो एक्सेप्टेंस आपकी बिल्कुल क्लियर और कंप्लीट होनी चाहिए, तब ये आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड कोर्ट में आप प्रूव कर सकते हैं कि आपने एक्सेप्टेंस आपकी वैलिड है। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट है जी आपके पास, एक्सेप्टेंस बिफोर रेवोकेशन ऑफ ऑफर। एक्सेप्टेंस आपने करनी है कैंसिल होने से पहले, यानी कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर इज रिवोक्ड। रिवोक्ड मतलब कैंसल, बाई रीजन ऑफ प्रोमिसर्स डेथ और इंसेनिटी, यानी कि अगर प्रोमिसर जो है वो मर जाता है या पागल हो जाता है या कोई और उसके साथ हादसा हो जाता है, ये और सेपरेट कंडीशन है, लेकिन आपने जो ऑफर की किसी बंदे ने वो गिवन टाइम के अंदर ही एक्सेप्ट होनी चाहिए। यानी कि ए ऑफर बी टू सेल हिज कार फॉर 4 लाख रुपीज बिफोर बीज एक्सेप्टेंस ए डाइड, ए मर गया है उसकी एक्सेप्टेंस से पहले बी की, तो नाउ द ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, अब ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि आपने उसकी ज़िंदगी में उसको अगर एक्सेप्टेंस का लेटर या कोई नोटिफिकेशन कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं किया, तो वो फिर आपका उसके मरने के बाद वैलिड नहीं होगा। एक्सेप्टेंस आफ्टर प्रपोजल, एक्सेप्टेंस हमेशा प्रपोजल के बाद ही होनी चाहिए, यानी कि ए ने बी को ऑफर किया यार मैं तुम्हें 3-4 दिनों बाद कोई अपनी एक कीमती चीज़ बेचूंगा, तो बी जो है वो ए के ऊपर केस नहीं कर सकता, उसको बाउंड नहीं कर सकता कि आपने मुझे ये चीज़ बेचनी बेचनी है, क्योंकि जस्ट उसने अपनी रजामंदी का एक इजहार किया था, विश किया था कि मैं आपको ये चीज़ बेच सकता हूँ, ठीक है। एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर के बाद ही होनी चाहिए, अगर ऑफर नहीं हुई एक्सेप्टेंस पहले पॉसिबल नहीं है। हमारा लास्ट पॉइंट है जी, एक्सेप्टेंस इन अ प्रिस्क्राइब मैनर। एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर होनी चाहिए, यानी कि एक्सेप्टेंस के लिए उसने कहा कि आपने लेटर करना है या आपने ईमेल सेंड करनी है या आपने व्हाट्सएप करना है या आपने जो है वो किसी एजेंट के थ्रू मैसेज पहुंचाना है, तो हमेशा एक्सेप्टेंस उसी फॉर्म के अंदर होनी चाहिए जो कि उसने बताया है। अगर एक्सेप्टेंस ऑफर की गई थ्रू ईमेल, तो एक्सेप्टेंस भी थ्रू ईमेल के जरिए ही होनी चाहिए, ना कि वो किसी थर्ड पर्सन को कहें कि आप उस बिजनेसमैन को बता दें जी मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है, तो ऐसे आपकी ऑफर एक्सेप्टेंस आपकी नहीं होगी।